आज हम बनाएंगे गेहूं के आटा से एकदम स्पंजी और एकदम जूसी गुलाब जामुन, जो कि बेहद आपको पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एकदम न्यू तरीके से मैंने ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया है, इस राखी पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पैन रख देंगे गैस पर, इसमें एक चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम एक कटोरी गेहूँ के आटा ऐड करेंगे। वही आटा है फ्रेंड्स जो हम रोटी रोज खाते हैं, वही वाला मैंने आटा लिया है और आटा को मैंने छान कर लिया है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पर हमको गैस को लो फ्लेम पे करके भूनना है। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज होने लग गया है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ कच्चापन ख़त्म हो जाएगा उतना ही हमको भून के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है घी में। तो एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यू तरीके से मैंने बनाकर तैयार किया है गेहूं के आटे से गुलाब जामुन, तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि आपने गेहूं के आटा से ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूध डालेंगे। तो हमको ज़्यादा दूध यहाँ पर नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही दूध लगेगा। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा ना कि बहुत जल्दी से ये गीला हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा ही दूध डालना है, एक बार में दूध नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर दूध बहुत कम लगा है, आधा गिलास से भी कम लगा है दूध फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमको थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल लेना है, बहुत ही फटाफट से ये काम हो जाता है, यहाँ पर पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा से ये पेस्ट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। ये जब तक ठंडा होगा तब तक हम क्या करेंगे, दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बंद कर देते हैं गैस को और नीचे उतार लेते हैं पैन को। यहाँ पर हम गुलाब जामुन की चटनी बनाएंगे, उसके लिए पैन रख दिया है गैस पर, ऑन कर दिया है गैस को। इसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाला है और 1.5 कटोरी चीनी, इससे हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम और पानी डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमको पतली चटनी बनाकर तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं और जिस तरीके से बाकी गुलाब जामुन के चटनी बनता है उसी तरीके से हमको चटनी यहाँ पर बना लेना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मार्केट वाला टेस्ट आ जाए उसके लिए यहाँ पर हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चीनी के अंदर। तो फटाफट से चटनी बन के तैयार हो जाता है। गैस को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर करके चटनी बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, चटनी पतली ही रहे उसके लिए यहाँ पर हम नींबू का थोड़ा सा हम 3-4 बूंदे जूस डाल देंगे। इससे क्या हो रहा है कि गाढ़ा नहीं होता है चटनी, पतली ही चटनी रहती है, तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है नींबू का। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारा बन के तैयार हो गया है, हम बंद कर, चिपचिपे सा चटनी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए ये मिश्रण गुलाब जामुन के ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे, ताकि क्या होगा ना कि गुलाब जामुन बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। मसलना बहुत ज़रूरी है, देखिए मैं छुपा रही हूँ, इतना ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर हमको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेना है। गेहूं के आटा से जो गुलाब जामुन बनता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कम खर्चा में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में ये गुलाब जामुन बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट कर लिया है, देख सकते हैं ये बहुत ही मक्खन के जैसे सॉफ्ट हो गया है। लेकिन हम 1 मिनट के लिए और अच्छे से मसल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा से हमारा ये डो बन गया है गुलाब जामुन का, देखिए। अब हम क्या करेंगे, साइड में रख लेते हैं और क्या करेंगे, इसमें और ही हम चीज़ मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट के अंदर ही साइड में रख लेंगे। देखिए कितना मक्खन के जैसे हो गया है, बहुत ही अच्छा हमारा ये गुलाब जामुन के ये डो बन के तैयार हुआ है। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटा के भी गुलाब जामुन बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच छेना लिया है। तो ज़्यादा ऐड नहीं करना है छेना फ्रेंड्स, क्योंकि हमने गेहूं के आटा से गुलाब जामुन बना के तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है ये। अब हम क्या करेंगे, छेना को भी अच्छे से हम मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए छेना को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब हम क्या करेंगे, गेहूँ के आटा और छेना एक में मिक्स कर लेंगे और डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार फ्रेंड्स होता है इस तरीके से। तो इस राखी पे ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही कम खर्चे में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं, अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। देखिए ये अच्छे से यहाँ पर हमको मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छा से ये देखिए मिक्स हो गया है, ये फटाफट से काम हो जाता है, समय बहुत कम लगता है। घर के जो गुलाब जामुन बनता है ना फ्रेंड्स, उसकी बात ही अलग होती है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है।
देखिए बहुत अच्छा से हमारा ये डो बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही मक्खन के जैसे हो गया है हमारा ये डो। थोड़ा सा यहाँ पर हम घी ऐड करेंगे, देखिए बहुत ही कम लिया है, ज़्यादा घी डालेंगे ना तो फ्राई करते समय में फट जाएगा और कम डालेंगे तो टाइट बनेगा, इसीलिए हमको यहाँ पर बहुत ही हिसाब से घी डालना है फ्रेंड्स। तो मैंने कुल मिला के 1.5 चम्मच के करीब घी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी को। तो हमारा फाइनली डो बन के तैयार हो गया है, सिर्फ घी को हम मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने घी को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कितना चिकना हमारा ये डो बन के तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट। अब चलिए हम गुलाब जामुन के शेप देते हैं। मैंने यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है, इससे एकदम चिकना चिकना सा हमारा गुलाब जामुन के बॉल्स बन के तैयार होगा। तो आप अपने हिसाब से लंबा लंबा या गोल गोल बना सकते हैं गुलाब जामुन। मैंने यहाँ पर गोल गोल बनाकर तैयार किया है, देखिए एक बना लिया है और बाकी हम ऐसे ही बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने गुलाब जामुन के देखिए बॉल्स बना लिया है 8-10, हम अभी फ्राई कर लेते हैं और बाकी बचा है ना डो उसको हम फ्राई करते समय में ही गोल गोल बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे क्या होता है ना कि समय बहुत ही बचता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर, मैंने गैस को पहले से ही ऑन करके तेल डाल दिया था, गर्म हो गया था ये बहुत अच्छा से, और गैस को हमको यहाँ पर लो फ्लेम पे करके ही फ्राई करना है फ्रेंड्स। गुलाब जामुन के बॉल्स डालने के बाद कढ़ाई के अंदर फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल टच नहीं किया था 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा से कलर आना शुरू हो गया है। अब हम चम्मच की मदद से इस तरीके से पलट लेंगे और गैस को लो फ्लेम पे करके ही फ्राई करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर ऊपर जो पार्ट है ना ये जल्दी से कलर चेंज हो जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गुलाब जामुन बहुत ही टाइट बन के तैयार होता है और बहुत ख़राब हो जाता है, हमारा सारा मेहनत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा से मैंने फ्राई कर लिया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मैंने लो फ्लेम पे फ्राई किया है इसलिए बहुत ही अच्छा से ये फ्राई हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं, आप चाहे तो और कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा से कलर चेंज कर लिया है, अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे कलर चेंज। तो यहाँ पर देखिए इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल लग नहीं रहा है कि हमने गुलाब जामुन ये गेहूँ के आटा से बनाकर तैयार किया है। अब हम यहाँ पर चाशनी के अंदर डाल देते हैं, ओनली सहने लायक ये चाशनी गर्म है। तो मैंने देखिए डाल दिया है, चम्मच की मदद से हम अच्छे से इस तरीके से हिला देंगे ताकि अच्छे से हमारा ये गुलाब जामुन डूब जाए चाशनी के अंदर, और सेकेंड बैच भी हम अच्छे से फ्राई कर लें। सेकेंड बैच भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अब हम चम्मच की मदद से अच्छे से हिला देंगे और सिर्फ आधा घंटा के लिए रखेंगे, आधा घंटा में ही ये डबल हो जाएगा साइज में और बहुत ही अच्छा ये एब्जॉर्ब कर जाएगा चाशनी को। तो ये बहुत ही बड़ा बड़ा साइज में हो जाएगा फ्रेंड्स, आधा घंटा सिर्फ रखना है, ज़्यादा समय के लिए मैं नहीं रखूँगी आपको। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमारा गुलाब जामुन बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स, आधा घंटा बीत गया है, आधा घंटा के बाद आपसे मैं मिल रही हूँ। देखिए गुलाब जामुन के साइज कितने बड़े बड़े हो गए हैं, एकदम टेस्टी और एकदम डिलीशियस हमारा गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है। तो लग नहीं रहा है ना कि हमने ये आटा से गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया है। तो चलिए यहाँ पर हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं सारे गुलाब जामुन को। तो पहले हम सारे निकाल लेते हैं, तो आप इस राखी पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट और बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन को प्लेट के अंदर निकाल लिया है, देखिए कितना इसका लुक टेस्टी और कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना उतना ही खाने में ये टेस्टी है और बनाना तो बहुत ही आसान है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे कोकोनट पाउडर से। ऐसे क्या होता है ना कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है गुलाब जामुन और खाने में भी बहुत टेस्टी गुलाब जामुन लगती है फ्रेंड्स। तो देखिए आपको मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर का टेक्सचर, बहुत ही, तो देखा ना फ्रेंड्स कितना आसान है गुलाब जामुन बनाना गेहूं के आटा से। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है गुलाब जामुन, देख सकते हैं कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है, एकदम अंदर से सॉफ्ट है और एकदम अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए कितनी जूसी हमारा गुलाब जामुन बना है फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अगर ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।